सिरमौर जिला के गिरिपार के किसान मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि ना तो उन्हें सही ढंग से लाभ मिल पा रहा है। आज भी यहां के किसान सड़कों की समस्या से जूझ रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। इसके अलावा पानी की समस्या से भी महिलाओं को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले कई सालों से प्रदेश में शिक्षा की बात की जाती है तो भी सिलाई क्षेत्र में 153 पद अध्यापकों के खाली चल रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता भी सता रही है। आपको बताते जाएं कि इन क्षेत्रों में आज भी कई किलोमीटर दूर पैदल पहाड़ी चढ़कर छात्र शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं। विद्यालय में टीचर की कमी के कारण छात्रों को सही ढंग से शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्षेत्र के युवाओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र कश्यप का टिकट इसलिए कटा है क्योंकि उनके द्वारा बड़े बड़े सपने जो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को दिखाए गए थे वे पूरा ना होने के कारण क्षेत्र में गांव के लोगों ने मन से उन्हें अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का मानना है कि MP फंड का जितना भी बजट क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए था कहीं नजर नहीं आया। अगर MP से सत्य का कोई कार्य किया जाता तो क्षेत्र के लोग विकास के साथ आगे बढ़ते। उन्होंने कहा कि सांसद की अनदेखी के चलते ही यहाँ के लोग आज भी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनके जल्द दूर होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ के किसान परेशान नजर आ रहे हैं और जितनी भी किसानों की समस्या है आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या नाम है MP मत का जो पैसा है वो यहाँ के जो सीटिंग MLA पहले से खर्च करते हैं और स्पेशल तो उनका हमने कोई यहाँ ये देखा नहीं है कि मतलब MP फंड से इधर पैसा आया इससे ये काम हुआ है। प्रैक्टिकल में कहीं उसे देखने में आए नहीं। अच्छा। ना तो सभा में कोई उनकी घोषणा और ना इधर कोई ऐसा कि भाई ये MP फंड के पैसे और इससे ये काम हुआ। अच्छा सर, वो अपने वादों पर खरे उतर पाए या नहीं जो इस क्षेत्र के लिए उन्होंने विकास की बात की, जैसे हाटी का मुद्दा है या फिर कुछ और मांगे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमारा यही जवाब है जो मैंने बता दिया कि मैं तो MP फंड का तो ऐसा एहसास हुआ नहीं। अच्छा, कभी जैसे तो मुझसे खैर ज़्यादा राजनीति से कोई इतना अनुभव भी है नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में तो कहीं उसका ऐसा लगा नहीं कि मतलब ये MP फंड का पैसा है सड़क में या स्कूल के लिए या कहीं किसी भी सार्वजनिक इसके लिए। पूर्व सांसद थे श्रीमान वीरेंद्र कश्यप जी, जिनको कि अभी BJP ने टिकट नहीं दिया है। ये टिकट सिर्फ इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि BJP भली भांति जानती है कि वीरेंद्र कश्यप ने यहाँ पर पूरी गिरिपार की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने गिरिपार की जनता से जो भी वादे किए थे वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी 5 साल या पिछले 10 साल सिर्फ इसी वादे में गुजार दिए कि मैं गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाऊंगा, गिरिपार की मांग बड़े मुद्दे पे उठाऊंगा, अगर सेंटर में गवर्नमेंट BJP की बनती है, पूर्ण बहुमत आती है, तो गिरिपार को अवश्य जनजातीय दर्जा मिलेगा। ऐसा वीरेंद्र कश्यप ने कईयों बार बोला है, मंच से बोला है। जब केंद्र से मंत्री आए जयराम और राम जी जो कि केंद्रीय मंत्री है जनजातीय एरिए के, तो उन्होंने भी घोषणा की थी हरिपुरधार में मंच से कि गिरिपार जनजातीय क्षेत्र अवश्य होगा। राजनाथ सिंह जी आए थे पहले नहान, उन्होंने भी मंच से बोला कि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा BJP की सरकार आने पर, और ऐसा कुछ हो नहीं पाया ना वो कर पाए। इसलिए अब वीरेंद्र कश्यप जी का टिकट काटकर सुरेश कश्यप को दे दिया है कि शायद लोग ये बात भूल जाएंगे, पर लोग ये बात भूलने वाले नहीं हैं। लोग भली भांति परिचित है कि सिलाई क्षेत्र में जो भी विकास के काम किए वो ठाकुर हर्षवर्धन चौहान ने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए, BJP ने सिर्फ पूरे सिलाई क्षेत्र को विशेषकर कफोटा को जो कि 19 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, ये पूरा सिलाई क्षेत्र जानता है कि सिलाई क्षेत्र के बाद अगर कोई कफोटा केंद्र बिंदु है तो कफोटा है, 19 पंचायतों का केंद्र बिंदु है। और कफोटा के साथ तो BJP ने इतना बड़ा छलावा किया है कि कफोटा में BJP ने विकास के नाम पे सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो कफोटा का कोई BJP नेता मेरे सामने इस बात को कर दे। कफोटा में डिग्री कॉलेज है, चाहे ITI है, चाहे कफोटा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, चाहे कफोटा हॉस्पिटल है, चाहे कफोटा रेस्ट हाउस है, ये सारी ही मांगे ठाकुर हर्षवर्धन चौहान ने की है। ठाकुर हर्षवर्धन चौहान ने ये सारे काम किए हैं। BJP का कोई भी नेता
15 साल बीजेपी की सरकार रही है हिमाचल में, उन 15 सालों में एक भी मांग बता दे कफोटा की। पिछले सांसद थे हमारे, उन्होंने जो इस क्षेत्र से वादे किए थे, क्या वो अपने वादों पे खरे उतर पाए या नहीं? वीरेंद्र कश्यप जी ने जो भी वादे किए थे, खासकर गिरिपार क्षेत्र के बारे में, उन्होंने कहा था कि गिरिपार क्षेत्र जनजातीय घोषित करवाएंगे, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और केंद्र में भी 5 साल में उन्होंने कम से कम हर जब भी क्या नाम के लोकसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाए, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो हमारे जनजातीय मंत्री है जोयल आरम जी से उन्होंने बार बार इस विषय में अपने क्षेत्र के लोगों को भी ले गए। हाटी समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं अमित चंद जी, कार्यकारिणी के सदस्य जैसे कि कोषाध्यक्ष हमारे कुंदन सिंह शास्त्री जी और पूर्व मेरे विधायक बलदेव तोमर जी, यानी कि सभी, चंद्रमोहन ठाकुर जी, सभी लोगों ने प्रयास किया। मगर इसमें कई बार कई कानूनी अड़चने भी आती हैं, दो तीन बार रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने प्रयास किए और फाइल लगी हुई है। ये नहीं है कि ये निरस्त हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोसेस में है और जब भी अगली सरकार बनेगी और प्रयास किए जाएंगे।